चालू हो गया। एक मिनट इधर और एक आदमी खड़ा है ना कैमरा लेके। द सॉन्ग एक्सपीरियंस द सॉन्ग क्या है कि हमने ये जो ग्रीस की जो लोकेशन है पहली बार ये फिल्म में हमने बीच लोकेशन दिखाया, मगर बीच जनरली बहुत मतलब आप गर्मी की बात सोचते हैं मगर यहाँ पे तो बहुत ठंड थी। एंड मुझे नहीं लगा, पहली बात तो ये है कि मुझे लगा नहीं कि मैं एक रोमांटिक सॉन्ग मैं कर पाऊँगा, मगर राजीव जी ने मुझे कन्विंस किया और द कोरियोग्राफर ऑल्सो अरविंद ऑल्सो कन्विंस्ड मी कि नहीं कर पाएगा। तो मुझे अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स दिए गए, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं एक लिनन जैकेट डार्क ग्लासेस पहन के और मतलब वादियों में ऐसे मैं एक रोमांटिक सॉन्ग करने का मुझे मौका मिला और फाइनली मैं कन्विंस हो गया कि एक कॉमेडी सीन नहीं कर रहा हूँ मगर एक रोमांटिक सॉन्ग करने जा रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और द सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटिफुल, थैंक्स टू वरदान फॉर कंपोजिंग एंड गिविंग अस सच अ फैबुलस सॉन्ग एंड होपफुली लोगों को भी पसंद आए, दैट्स ऑल आवर विशेस। ओके, आई जस्ट लाइक टू से कि ये बहुत ही आई मीन इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कुणाल सेड ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक रोमांटिक गाना है, फर्स्टली बिकॉज माई कोस्टा वॉज कुणाल, बिकॉज इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, इसी वजह से सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि ये वहाँ पर कॉमेडी कर ही रहे थे, यू नो लाइक मोस्टली जो भी शॉर्ट्स उन्होंने दिए ही यूज टू यू नो लाइक टू लाइक लिव स्टैंडिंग विद लिनन जैकेट लाइक ओ आई एम शाहरुख खान एंड स्टफ लाइक दैट यू नो, एंड जितना एक्साइटमेंट कुणाल को हुआ उस करने में उसे देख कर देर वॉज ऑल्सो इनफैक्ट बीच में आई थिंक कुणाल द रिमेंबर दैट ये वो वहाँ पर पूरी ऐसी ग्रीक लड़कियाँ थी एंड कुणाल वॉज सिटिंग ऑन दैट चेयर विद द सनग्लासेस और ये सब, और किसी ने सेट से बता दिया ये हीरो है बॉलीवुड का और उसका नाम कुणाल रॉय कपूर है, तो वहाँ की सारी गोरियां आके कुणाल कुणाल स्क्रीमिंग दिस वन ब्लशिंग। क्या है कि इंडिया में जब हम सॉन्ग शूट करते हैं ना तो लोगों को पता रहता है कि अच्छा गाने का शूट हो रहा है, उनको पता है कि अच्छा नाच रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है, मगर अब्रॉड जब करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कोई एलियन स्पेसशिप वहाँ पे लैंड होके कोई एलियंस देख रहे हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ एलियन का नाच चल रहा है। क्योंकि मेरे वो स्टनिंग गुड लुक्स की वजह से हाँ सब भाग के आ गए, मतलब मैं वहाँ दूर से खड़ी और ये ऑटोग्राफ साइन करे हंस भी रहा है, ही वाज लाफिंग लाइक यू नो इनको क्या बता मैं बॉम्बे में मैं कॉमेडी करता हूँ मैं ये नहीं करता, बट इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस लाइक ही सेड, बहुत ठंडी थी, बीच का लोकेशन था, प्योर सिंग कोल्ड आइस वाटर लाइक लिटरली वी आर सिटिंग एंड वेर हम लोग गाना गा रहे हैं लिप सिंग कर रहे हैं एंड माई टीथ आर लाइक नहीं, सो इट वॉज लाइक दैट, तो ऐसा लगा ही नहीं था रोमांटिक गाना था, पर आई वुड रियली लाइक टू लाइक से दैट अगर दिस होल थिंग लुक्स एज ग्रेट एज इट इज़ राइट नाउ इट्स वरदान माई कोरियोग्राफर अरविंद, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, आई थिंक बोथ ऑफ अस हैव matched each other so well in this, you know, I mean, we're looking really good in it and he's done an amazing job, in fact he's one of my best co-stars, so because it's such a joy to work with Kunal, so we were eating a lot together so yeah, so yeah, one of my best co-stars definitely, so this is a very special song and I hope everybody likes it. Thank you. Akura is a person who is, you know, like very confident, but then why are you trying to underestimate yourself, like it's a song definitely. See, the thing is that it's after this song how much confidence you gain. I think a lot of confidence. क्या है कि an actor is always looking for new experiences also. And I think कि actors have certain comfort zones. उनके खुद के comfort zones रहते हैं और ये जो है मेरे comfort zone के बाहर definitely outside my comfort zone. My comfort zone is a dot for this.
इट्स लाइक वे वे आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. पर क्या है कि अगर आप ये सब चीज़ें अगर आप ट्राई नहीं करें और एंड इफ यू डोंट गो इन देयर विद दैट कॉन्फिडेंस एज यू आर सेइंग, यू विल नेवर लर्न एनीथिंग. तो आई थिंक कि मेरे लिए तो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा है एंड होपफुली इन द फ्यूचर आई विल गेट टू डू मोर स्टफ लाइक दिस. बट दिस एक्सपीरियंस हैज रियली रियली हेल्प मी टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस एंड टू ब्रेक माई ओन परसेप्शन कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ. तो आई थिंक फॉर मी इट्स बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टू हैव सपोर्टिव पीपल अराउंड यू लाइक नाजिया, लाइक राजीव, लाइक अरविंद हैज ओनली मेड द एक्सपीरियंस बेटर. तो आई जस्ट होप फॉर मोर एंड मोर सच चैलेंजेस इन योर करियर एंड दिस इज वन ऑफ देम. सो या थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपसे जानना चाहेंगे फर्स्ट टाइम कुणाल सर थिरकते नजर आएंगे तो कैसा फील हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा बिकॉज कुणाल को जैसे उन्होंने खुद कहा है कि हम सब लोगों ने कॉमेडी अवतार में देखा है और फर्स्ट टाइम उनका रोमांटिक ऑल यू नो टिपिकल बॉलीवुड एक्टर्स जो होते हैं कि जैकेट वैकेट पहन के और रोमांटिक सॉन्ग्स पे डांस करते हुए देख रहे हैं. सो ऑफ कोर्स लाइक इट्स क्वाइट एक्साइटिंग फॉर आई थिंक फॉर मी आल्सो एंड फॉर द पीपल हु वर हिज फैंस एंड पीपल हु लव हॉरर फिल्म्स दे हैव समथिंग न्यू टू वॉच. देखिए मेरे हिसाब से हीरो हीरो ही होता है चाहे वो कुणाल सर हो चाहे नवाजुद्दीन हो. अगर नवाज भाई कर सकते तो कुणाल भाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए मेन तो है कि कुणाल भाई ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में. उनको कॉन्फिडेंस लेवल लाने के लिए कोरियोग्राफर में प्रोड्यूसर एक्ट्रेस सब ने जो कॉन्फिडेंस दिया तो हमारे कॉन्फिडेंस को देख के उन्हें लगा कि नहीं सही में अगर ये लोग बोल रहे तो मैं कर सकता हूँ. उन्होंने जो ट्राई किया आप देखोगे बहुत अच्छा ट्राई किया उन्होंने गाना. ओके इसके अलावा वहाँ पर जब शूट चला तो वैसे ही फैन फॉलोइंग बहुत हो चुकी थी कुणाल सर की और कह रहे कि आने वाले ये सॉन्ग के बाद आने वाले टाइम में बहुत सारे रोमांटिक नंबर मिल सकते हैं. आई थिंक सो ऐसे होने चाहिए. उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा सॉन्ग है. बहुत ही आपने सुना होगा कि लिरिक्स भी बहुत अच्छी हैं एंड ऑफकोर्स जब ये गाना अच्छा होता है तो एज एन एक्टर आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है एंड आई एम श्योर कि ही विल गेट वेरी गुड रिव्यूज एंड पीपल विल लव हिम इन रोमांटिक अवतार अगेन. सही सही कहा कि ये गाना देखने के बाद कुणाल भाई वो सिर्फ ऐसे ही सॉन्ग्स मिलेंगे इसके बाद रोमांटिक ही मिलेगी क्योंकि लोग ने कभी इन्हें ऐसे अवतार में देखा नहीं है कुणाल सर को. और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत अच्छे लग रहे हैं गाने में और ख़ास करके मैं कहूँगा कि रोमांटिक गाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, ख़ास करके बहुत माइनस डिग्री में हमने शूटिंग किया है और माइनस डिग्री में प्लस नाजिया को भी थैंक्स बोलना पड़ेगा कि नाजिया के जो कॉस्ट्यूम्स थे वो कॉस्ट्यूम्स ऐसे थे कि ठंडी में क्या मतलब नॉर्मल भी लोग पहन के घूमे तो हवा लग जाती थी उसमें तो वैसे कॉस्ट्यूम थे. लेकिन सबने सपोर्ट किया, हमारे टेक्नीशियंस ने, आर्टिस्ट ने, कोरियोग्राफर ने, सबने अच्छा सपोर्ट किया गाने में और हमने बहुत मस्ती की गाने में शूट करते वक्त. और आप बाकी आप रिजल्ट आप देखेंगे सब. और ये पूजा में लास्ट सवाल, ओनली वन वी हैव बीन लेफ्ट सो एज अ डेब्यू कितना एक्साइटेड बिकॉज ओनली वन? आई एम वेरी एक्साइटेड बट या इट्स लाइक अ मिक्स फीलिंग जहाँ पे आपको यू नो बिकॉज अ फिल्म इज लाइक अ बेबी फॉर सो मेनी पीपल. सब लोग इतना हार्डवर्क करते हैं, इट्स लाइक अ टीम वर्क. बिहाइंड द सीन्स जो होता है लोग नॉर्मली वो नहीं देखते हैं एंड इट टेक्स ओनली वन मिनट टू से कि ओ बहुत बेकार थी या बहुत अच्छी थी. बट पीछे जो काम चलता है वो किस कंडीशंस में और कौन सी स्थिति से गुजर के लोग करते हैं वो ओनली आर्टिस्ट को और जो टेक्निकल टीम होती है, डायरेक्शन टीम होती है, सबको उन लोगों को ही पता होता है. सो आई हैव अ वेरी मिक्स्ड फीलिंग दो लाइक आई एम लिटिल बिट नर्वस एंड आई एम हैप्पी एट द सेम टाइम. सारी बातें हो रही थी पहले, फाइनली जब बाहर आ चुका है क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पैर के बारे में बहुत अच्छी बातें हो रही है. नहीं पेयर तो बहुत ही खूबसूरत है, कुणाल सर और नाजिया बहुत अच्छी लग रही हैं एंड दे शॉट वेरी वेल. और हमें तो मेकर्स का थैंक्स करना चाहिए जो सॉन्ग्स को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हर एक सॉन्ग लॉन्च कर रहे हैं. बिल्कुल, दैट्स अ वेरी रेयर थिंग. और मुझे खुशी हो रही है यूं ही नहीं बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है सबको. बिल्कुल, तो इसीलिए कि यूं ही नहीं तो मिले मुझको द सॉन्ग. पहले तो गाना बहुत अच्छा है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, कंपोज बहुत अच्छा किया है, गाया भी अच्छा ही है बट ऐसा कहते हैं ना कि हाथ से हाथ मिलता है तो शूट होना उसका ग्रैंड लेवल पे बहुत ज़रूरी था. वो शूट बहुत अच्छा किया है, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू द होल टीम एंड एज वी सेड फॉर अस इट इज़ अ फैंटास्टिक थिंग कि कुणाल
के लिए भी ये पहला गाना है रोमांटिक स्टाइल में, एंड नाजिया इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल. और जितना उन्होंने कहा कि फिल्म का नाम भी मुश्किल है, मुश्किलें आई भी, लेकिन कहते हैं कि जब सब करने के लिए रेडी हो जाए काम तो बहुत आसान हो जाता है. सो दैट इज़ हाउ इट हैज़ कम आउट. It's we shoot it in Greece, so but we have like just a Greece normally you know about beaches and all structure. जो हम लोगों को वो हमने मूवी शूट की है तो उसमें वो पार्ट नहीं दिख रहा था प्रॉपर. तो इस गाने में हमने प्योर ग्रीस दिखाया है, उसके बीचेस दिखाए हैं, एंड ऑफकोर्स नाजिया इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, कुनाल इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम इन दैट, एंड एवरीथिंग. आई थिंक दिस सॉन्ग कॉल परफेक्ट सॉन्ग विद द कास्टिंग वाइज, लोकेशन वाइज, लिरिक्स वाइज, म्यूजिक वाइज, एंड बिहाइंड द voice is so sweet voice of Meenal and Mardan, and I think this is the best song, like you can say. Okay, Meenal ma'am, aapko hamesha ek dusre hi avatar mein dekha hai, ye song bahut hi alag rahega aapke liye, so kitna challenging tha aapke liye? Challenging to tha, main deny nahi karungi, but as I said ki वरदान का जो कॉन्फिडेंस था मुझ पे और इवन अनजान सर का, क्योंकि कभी कभी आप अगर वॉइस मॉड्यूलेट भी करते हैं तो लिरिक्स एक उच्चारण कभी कभी बिगड़ जाता है, बट देवर एट इट कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है, एंड फाइनली द प्रोडक्ट केम आउट वेरी वेल. तो जो मेरा एक बोल्ड वॉइस का एक मीनल को आप उस रूप में जानते हैं तो उससे एकदम अलहदा मेरी आवाज़ लग रही है. इट्स अ वेरी थिन एंड यू नो वेरी नाइस एंड रोमांटिक वॉइस, एंड दैट आई वुड से द क्रेडिट गोज टू वरदान. नो नो नो, एक्चुअली फिरोज भाई, राजीव सर इंसिस्टेड मी टू कीप हर वॉइस ओनली. दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज. हाउ स्वीट. ओके, जब एक सिंगर वॉइस देता है अपना तो यू नो उसके सर्टन एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मतलब उसके वॉइस को जो जो काम करने वाला है उसके वॉइस पर, तो उस एक्सपेक्टेशंस पे दोनों कितने खड़े उतर पाए आप दोनों के अकॉर्डिंग? अच्छा, इस ये कंपोजिशन भी मेरी है तो मुझे पता था कि मुझे कैसे मॉड्यूलेट करना है, और मीनल की वॉइस पे एक कॉन्फिडेंस था मेरा कि मुझे कैसे ट्रीट करना है इनकी वॉइस को. तो मीनल ने बहुत ही खूबसूरत एक जस्टिफाई किया है जो मुझे बहुत बेहद पसंद आया, फिर मेरे मेकर्स को बहुत अच्छा लगा, जी ने अप्रूव किया, तो ऑल सेट. नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट नीड योर गाइस सपोर्ट नाउ बिकॉज़ आवर जॉब इज कंप्लीटेड, नाउ योर जॉब इज स्टार्टेड. सो प्लीज प्रमोट एज मच यू कैन एंड आई होप यू विल लाइक इट, बिकॉज़ लिरिक्स वाइज, पिक्चर वाइज, एवरीथिंग इज गुड. आई होप यू गाइस विल आल्सो लाइक एंड योर व्यूअर्स विल आल्सो लाइक. सो प्लीज प्रमोट दिस सॉन्ग. थैंक यू सो मच. दिस इज अ वेरी वेरी स्वीट मेलोडी जो आज कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि यार म्यूज़िक में वो मेलेडी नहीं मज़ा आ रहा, तो मेलेडी 100% है. लिरिक्स आप सुनेंगे तो कई जगह पर किए हैं सचते, मतलब ये सोच वेरी वेरी फ्रेश लेकिन रोमांटिक थॉट के साथ. इट्स अ वेरी नाइस नाइसली रिटन लिरिक्स. तो लिरिक्स 100%, कॉम्पोजिशन तो 100% है ही, गाया भी हमने 100% है, शूट भी 100% हुआ है, और द हीरो हीरोइन आर लुकिंग फैंटास्टिकली ब्यूटीफुल. So I think अब बस यही है कि 100% audience से भी मिल जाए. Yes. And I need support of you guys. Thank you. Yep. कई जगह पे चढ़ाई चादर, कई जगह पे किए हैं सजदे, कई दिनों तक दुआएं मांगी, कई शबों तक शबों में जागे, यूं ही नहीं तुम मिले हो मुझको, यूं ही नहीं तुम मिले. It's a perfect song. You ही नहीं मिले हो मुझको. बिल्कुल. And अनजान सागरी साहब को भी नहीं भूलना चाहिए. Beautiful, beautiful lyrics. अनजान सागरी साहब. Keep writing like this. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.